अप वंस अगेन विद योर सनी। तो आज मेरा हैशटैग लॉकडाउन का अनदर नायका हॉल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इसमें ना स्पेशलिटी जो है ये 40% अप टू डिस्काउंट चल रही थी, आई मीन अभी तक शायद चल रही है, तो इसलिए मुझे लगा कि दिस द परफेक्ट टाइम टू परचेज सम प्रोडक्ट्स। स्पेशली आप नायका कॉस्मेटिक्स का अगर कुछ प्रोडक्ट्स खरीदने चाहते हो तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट्स के ऊपर डिस्काउंट चल रही थी। और उसके साथ साथ लैक्मे, मेबलिन, लॉरियल, बहुत सारे ब्रांड्स, हेयर अप्लायंसेस, हेयर टूल्स और हेयर केयर, स्किन केयर, सभी में आपको बहुत सारा डिस्काउंट्स मिल रही थी। एंड स्पेशली लॉन्जरीज जो मैं भी परचेज किया हूँ, एंड शेपवेयर और आपका जो डेली वेयर, नाइट वेयर्स, आपका एथनिक वेयर, सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको सेल मिलेगी, डिस्काउंट्स मिलेगी। तो इसलिए दिस इज़ द स्पेशल हॉल, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट इस सेल को कुछ यूज़ कर लिया जाए। तो इसलिए जो जो मुझे ज़रूरत थी वो वाला प्रोडक्ट्स मैंने परचेज़ किया। तो ये हॉल को आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल को डीएफ फ्री वाला रेड बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब वाला, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे चैनल में हॉल्स, रिव्यूज़, डेमो सब कुछ आपके साथ मैं बैक टू बैक शेयर करती हूँ। आपको बहुत आसानी होगी आप अगर कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहें तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस टू बॉक्सेस ज़्यादा नहीं है, बट हाइजीन मेंटेन करते हुए मैंने फिर प्रीवियस लॉकडाउन वीडियोस आपने मिस कर दिया है, तो इसलिए मैंने बोला कि सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो, ताकि मेरे जो वीडियोस मैं डालती हूँ वो आपके पास पहुँच जाए। तो उसमें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मेरा पर्पल, अमेजन, नायका, जो जो मैं लॉकडाउन में आपके साथ हॉल्स शेयर की हूँ, उसमें हाउ टू क्लीन योर बॉक्सेस, हाउ टू मेंटेन द हाइजीन, कैसे आपको डिलीवरी पर्सन से जो आपको लेटर डिलीवरी बॉय जो आते हैं वो वाले भैया से कैसे आपको रिसीव करना है, कैसे क्लीन करना है, शेयर ऑलरेडी इन डिटेल्स, आप वो वाला वीडियो थोड़ा चेक कर लो। तो इस वाले वीडियो में मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाना चाहती हूँ, ताकि आप लोग बोर मत हो जाओ, उससे जो जो प्रोडक्ट्स परचेज किए उसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है फर्स्ट बॉक्स, तो मैं रैंडमली पिकअप कर रही हूँ। दिस इज़ द काया रिफ्रेशिंग मैटिफाइंग वाइप्स, क्लिंसिंग वाइप्स विथ कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट्स एंड विटामिन ई। सो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट, आपको दिखाई दे रही है शायद। प्राइस है 120, ये मुझे 100 में मिली थी। ये ट्रैवल फ्रेंडली है और इसमें आती है जी 30 वाइप्स, तो 30 वाइप्स 100 में काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। यू कैन कैरी इट एज वेल एज यू कैन रिमूव योर मेकअप विथ योर माइश्योलर वाटर और वट एवर यू लाइक टू यूज़। इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग और मेकअप रिमूविंग, मैं इसे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, इसका डिफरेंट वेरिएशन मैंने ट्राई किया है, तो आपको मैं इसे सजेस्ट करूँगी, आप अगर कोई फेशियल वाइप्स चाहते हो तो आप काया का ट्राई कर सकते हो। अनदर वन इज़ दिस इज़ द सेकेंड टाइम एक्चुअली, जो नायका हॉल था, आई मीन लॉकडाउन का जो फर्स्ट नायका हॉल मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैं के ब्यूटी का एक दिस सेम टू सेम ब्राउ स्टूडियो आईब्रो पेंसिल एनरिच्ड विथ एल्गिन, ये वाला जो है मैंने परचेज़ किया था। उस टाइम मैं फर्स्ट इम्प्रेशन आपको हॉल के टाइम में शेयर किया था कि मैंने जो ये इसको परचेज़ किया, आई एम नॉट सो हैप्पी बिकॉज ऑफ द शेड एंड बिकॉज ऑफ द इसका जो उतना मुझे ब्लेंडेबल, उतना कुछ ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं फील हुई थी एक्चुअली, जो फर्स्ट इम्प्रेशन था इसलिए मुझे उतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट डे बाई डे मैं यूज़ करने के साथ साथ ना, आई एम रियली लिटरली फॉल इन लव विद दिस। हाँ, इसका कौन सा है डेफिनेटली कि इसमें स्पूली नहीं है और ये रिट्रैक्टेबल नहीं है, और लिटिल बिट आपको थोड़ा सा शार्प करने का इशू रहेगा, बट अदरवाइज प्राइजियर है, लेकिन अभी इसमें डिस्काउंट चल रही थी, जैसे 20% 15% डिस्काउंट चल रही थी, तो मुझे लगा जैसे कि मैं यही को अप्लाई कर चुकी हूँ, मीन नॉट दिस शेड, दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर मी, दिस द चेस्टनट, ये वाला शेड मेरे लिए परफेक्ट है, थोड़ा ब्राउनिश मैं यूज़ करती हूँ, बट वो वाला थोड़ा सा मुझे रॉन्ग हो गया था, डार्क ब्राउन, ब्लैक ब्राउन टाइप का हो गया था, इसलिए थोड़ा मिस्टेक हो गया था। दिस इज़ द पैकेजिंग एंड दिस इज़ द आउटर पैकेजिंग, मैं इसके ऊपर ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। दोनों शेड मेरे पास होगी है, जिसका डार्क ब्राउन टू ब्लैक हेयर है उनके लिए, जो राइट नाउ आई एम यूजिंग द वॉलनट वाला शेड एंड दिस इज अ चेस्टनट, जिसका मेरे तरह थोड़ा लाइट ब्राउन हाइलाइटेड हेयर है या ब्लॉन्ड हेयर है उनके लिए दिस वाला शेड विल बी द परफेक्ट वन। तो मैं दोनों शेड की स्वचेस एंड रिव्यू कंपेरिजन आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसे सेकेंड टाइम इसलिए परचेज किया डियर, आई एम लिटरली फॉल इन लव, बहुत क्विक होती है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, सिर्फ 2 हैक्स आपको मेंटेन करनी है, वो मैं जब वीडियो इसके ऊपर शेयर करूँगी, रिव्यूज एंड डेमोज, देन आपके साथ शेयर करूँगी। इस टाइम पे नहीं, बट मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी, आपको अगर कुछ ब्राउ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करनी है
और आप चाहते हो कि नहीं यू हैव योर सेपरेट स्पूली और यू डोंट रिक्वायर एनी रिट्रैक्टेबल पेंसिल, आपको नॉर्मल वाला पेंसिल में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, देन गो फॉर इट, यू कैन लव इट बिकॉज ये लॉन्ग लास्टिंग है, पाउडरी फिनिश जैसे कि पोमेड वाला होती है ना, या आप ब्राउ पाउडर, ब्राउ फिलिंग पाउडर अगर यूज़ करो तो वैसा ही फिलअप करती है, वैसा ही लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसलिए सिर्फ आपको 2 हैक्स मेंटेन करनी है, वो मैं आपके साथ, वो ऑयली आईब्रोज के लिए है, नॉट फॉर द नॉर्मल वन, मैं आपको वो रिव्यूज़ में शेयर करूँगी जरूर से जरूर। ओके, तो थर्ड वाला जो प्रोडक्ट है मेरा ऑल टाइम फेवरेट, दिस कोलोसल काजल फ्रॉम मेबलिन, दिस इज़ द डीप ब्लैक शेड, स्मच प्रूफ, 24 आवर्स लास्ट करती है, विथ एलोवेरा ब्लैक फिक्स फॉर्मूला है, बहुत ही सेफ है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड माई वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, 150 रुपीज में आई थी इसमें। ऐसा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ, दिस इज आई एम वेरी ऑब्सेस्ड टू यूज़ दिट बिकॉज बहुत सभी साइड में और यूट्यूब में भी इसके बारे में मैं बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स एंड रिव्यूज़ मैं देख चुकी हूँ, तो इसलिए मुझे ना अंडर आई डार्क सर्कल थोड़ा सा भी डेयर बढ़ गई है, जस्ट घर नहीं पा रहे, बाहर नहीं जा पा रहे, तो दिन रात मोबाइल देखना, टी वी वॉच करना, कंप्यूटर देखना, वीडियो एडिटिंग करना, तो आँखों में जो स्ट्रेस होती है उसके वजह से भी पड़ती है, अंडर आई डार्क सर्कल बढ़ जाती है और उसके साथ साथ ड्राई हो जाती है, रिंकल्स, फाइन लाइन्स आ जाती है, स्पेशली लेट 30 लेट 40 ये परफेक्ट टाइम है आपका रिंकल्स आने में और डार्क सर्कल इंक्रीज होने में। तो ये है एम कैफिन का नेकेड एंड रॉ कॉफ़ी अंडर आई क्रीम, दिस इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप्स है, इसमें आपको ड्राई ऑयली कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कॉफ़ी जो होती है कॉफ़ी एंड वाइट लिली, ये मैं इसलिए लिया, बहुत लोगों ने बोला कि आपका स्पेसिफिकली अंडर आई डार्क सर्कल है, तो दिस इज़ द वेरी मिराकुलसली इसके ऊपर मिराकुलसली काम करता है डार्क सर्कल के ऊपर। तो लेट्स सी, मैं अपने प्राइस है डियर 575, बट एम कैफिन के ऊपर डिस्काउंट भी चल रही थी, उसके साथ मुझे फ्री गिफ्ट्स भी मिला, वो मैं ज़रूर आपके साथ दिखाऊंगी। तो इस टाइम मैंने ये एम कैफिन का नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी नाइट जेल परचेज की, इसमें ग्रीन टी है, विटामिन सी है, ऑल स्किन टाइप्स है, 50 ml का प्रोडक्ट्स है डियर, और इसके बारे में मैंने जो सुनी है कि ये वाला प्रोडक्ट आपके स्किन को एक टाइटनेस देती है, ब्राइटर बनाती है, ऑयली नहीं बनाती है, ऑयली स्किन, मेरा ऑयली टू कम्बिनेशन स्किन है, मेरा टी जोन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ओपन पोर्स की इशू है और पिंपल्स की इशू है, तो दिस इज़ सभी का जो रिव्यू मैंने देखा, दिस प्रोडक्ट्स इज़ वेरी गुड फॉर दोस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको परचेस करना, इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आप परचेस करो ताकि आपका पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज़ द ओरिजिनल साइज, ऑलमोस्ट मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज लगती है प्लम वाला, सेम टू सेम ही ऐसा कलर और सिल्वर और ग्रीन टाइप का, ये जो थोड़ा सा आई सूदिंग टाइप का एक कलर लगती है मुझे दिस वाला ग्रीन, रियली वेरी आई सूदिंग। ओके, सो लेट्स ट्राई इट, ट्राई करने के बाद मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। ओके, अनदर प्रोडक्ट दो है, दिस इज़ द फर्स्ट बॉक्स ख़त्म हो गया। ओके, तो इसमें है मसावा का 2 नेल पॉलिशेस, मसावा का एक्चुअली मैं 3 नेल पॉलिशेस दिए हूँ, अनदर वन शायद दूसरे बॉक्स में रह गई है, दिस टू थोड़ा सा लाइटर शेड्स में है, दिस टू शेड्स बहुत दिनों से मुझे खरीदनी थी, मुझे ना ये टाइप का शेड्स बहुत ही पसंद है, दिस वन इज द कूल गाय एंड अनदर वन इज नींबू पानी। जो प्राइजेस है डियर, ये मुझे 199 अराउंड मिल गई थी या 170 अराउंड मिल गई थी, काफ़ी डिस्काउंट चल रही थी मसाबा, आई मीन नॉट मसाबा, नायका का जो होल कॉस्मेटिक्स था उसके ऊपर फ्लैट 35% तक का डिस्काउंट चल रही थी, एक दिन 3 to 9 PM, स॔री 1 to 6 to 9 PM, ओनली 3 आवर्स तक थी, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, तो उसमें मैंने परचेस किया था। और चलिए नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट बॉक्स में है दिस टू लॉन्जेरी, या दिस मैं काफ़ी टाइम से मंगवा रही हूँ नायका से, नायका या अमेजन से, मैं जॉकी का जो बिकनी होती है, दिस इज़ द फैशन एसेंशियल ड्रूवी, दिस इज़ द या जॉकी का जो बिकनी पैंटीज है, ये दो अभी तक सील नहीं खुला है, आप देख सकते हो, दिस आर वेरी कंफर्टेबल, जो लोग आप थोड़ा सा बिकनी टाइप का पसंद करते हो आप ट्राई कर सकते हो, 199 है ये, इसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगी, कभी कभी 170-175 तक मिल जाती है। बट नेक्स्ट है दैट इज द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल क्लच, आई मीन नॉट द क्लच, दिस इज़ द नायका का जो बैक होती है ना, आप देख सकते हो शायद, दिस इज़ द ब्यूटिफुल गोल्डन शेड। एक्चुअली मुझे ना मेरे जो पर्स है, मैं आउटसाइड जाती हूँ, अभी तो जाने का कोई बात नहीं है लेकिन कभी तो जाऊँगी, ये क्वारंटाइन से, ये लॉकडाउन से कभी तो हम वापस जाएंगे ही, तो इसमें क्या होती है, हम हमारा जो एसेंशियल्स होती है ना ट्रैवल के टाइम पे, जो लिपस्टिक्स वगैरह, काजल, मस्कारा
एंड थोड़ा सा ब्लश, आपको लिप बाम, ये तो ज़रूर से ज़रूर कैरी करना होती है डियर, आप कहीं पे भी जाओ। तो इसके लिए आई नीड दिस टाइप ऑफ बैग जो थोड़ा देखने में भी ब्यूटीफुल हो और इजी, थोड़ा सा स्पेस भी रहे। तो ये जो स्पेस है इसमें अच्छे खासे आपको ट्रेवल साइज जो जो चीज़ें हैं आराम से आ जाएगी, मेकअप थिंग्स। तो ये नायका का बैग है, इसके ऊपर बहुत अच्छे से 40% मुझे डिस्काउंट मिल गई थी, 35% या 40% डिस्काउंट मिल गई थी। बहुत प्यारा है, डिफरेंट कलर्स है, जैसे कि गोल्डन नहीं, ब्रॉन्ज है, गोल्डन है, सिल्वर है, पर्पल है, और थोड़ा सा मरूनिश टाइप का एक है। आप अपने चॉइस अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मुझे ये वाला बैग तो बहुत पसंद है, इसका क्वालिटी, इसका जो जीप है बहुत ही प्यारा वाला है, कोई कंफर्टेबल है। मुझे ये वाला स्टाइल बहुत ही पसंद है, नॉटेड वाला स्टाइल, एंड दिस इज़ क्लासी और बहुत रिफ्लेक्टिंग होती है, बहुत ही गॉर्जियस टाइप का लुक लगी है। ओके, अनदर इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट फिटमी का, आई मीन मेबलिन फिटमी कंसीलर, शेड है 10 लाइट एज यूजल, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसका प्राइस है 475, 400 अराउंड मिल गई थी, सॉरी 400 नहीं, उससे भी कम में मिली थी शायद, देखना पड़ेगा, आई कांट से राइट नाउ, 390 या 400 अराउंड मिल गई थी। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ द ब्यूटी ब्लेंडर। दिस द फर्स्ट टाइम नायका का मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ऑर्डर किया, नहीं तो पुणे स्टोर्स का ही मैं ब्यूटी ब्लेंडर्स हर वक्त ऑर्डर करती हूँ, हर 2-3 मंथ्स में ख़राब हो जाती है, अमेजन से मंगवाती हूँ पुणे स्टोर्स का। बट दिस टाइम बहुत दिनों से चाहती थी इस बार लूँ तो थोड़ा सा कोई अच्छा वाला लूँ, लेकिन इस टाइम इतना, बट थोड़ा प्राइजी साइड में है दिस वाला स्पंज एंड ब्यूटी ब्लेंडर नायका का, बट 35-40% डिस्काउंट है किस पे, इसी काम तो लगाना है ना, तो इसलिए मैंने इस टाइम परचेस कर लिया है डियर। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँगी, 450 है, लेकिन 350 तक मिल गई थी मुझे, बहुत 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 मुझे पसंद आई ये वाला, तो अभी यूज़ करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर रिव्यू चाहिए तो मैं ज़रूर से ज़रूर डालूँगी, लेकिन इसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा अगर आपको देखना है तो। ओके, इसमें आपको 2-3 कलर्स मिल जाएगी। ओके, जो मैंने बात करी थी ना एम कैफिन के 2 परचेस, अब आप कोई भी 2 प्रोडक्ट परचेस करोगे ना तो आपको ये फ्री गिफ्ट मिलेगी, आई एम सो एक्साइटेड। जैसे कि ये बटुआ जो है ना, बटुआ मुझे बहुत पसंद है, उसके साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली 2 प्रोडक्ट्स आपको मिली है बॉडी के लिए, बॉडी केयर जो होती है, मिनी बॉडी केयर जो आप बोल सकते हो ट्रैवल फ्रेंडली, दिस इज़ द कॉफ़ी बॉडी पॉलिशिंग ऑयल, और उसके साथ साथ ये जो कॉफ़ी स्क्रब है, बॉडी स्क्रब, ये मिल गई है डियर। दोनों का दोनों बहुत फ़ायदेमंद है, आप कहीं पे भी जाओ, कोई साइट में जाओ, इसके बारे में आपको इन डिटेल बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ वगैरह मिल जाएगी, ऑल दोज आर पॉजिटिव। तो मैं ख़रीदने वाली थी इसको, मैं विंटर में ख़रीदने वाली थी, तो अभी तो फ्री मिल गया है, चलो जिस दिन वेदर वगैरह अच्छा होगा, उतना ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो स्क्रबिंग के बाद मैं यूज़ करूँगी, और इसका मिनी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, दोनों का मिनी प्रोडक्ट्स का मिनी रिव्यूज़ मैं आपको डाल दूँगी। पहले थोड़ा अच्छे से यूज़ कर ले कॉफी बॉडी स्क्रब। तो रिसेंटली मैं जो स्क्रब यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का, उसका रिव्यू बहुत जल्दी मैं डालूँगी कि उसको यूज़ करना वर्थ है या नॉट वर्थ, नॉट गुड। ओके, तो ये 2 मुझे फ्री में मिली है, आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी। आप को अभी भी शायद चल रही है, आप इम कैफिन का अगर कोई 2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करोगे तो आपको ये वाला सिर्फ यही मिलता है, और तो डिफरेंट वेरिएशन यही वाला आपको गिफ्ट में मिलेगा। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आप यू कैन गो फॉर दैट। एंड अनदर वन, दिस इज़ द नायका का मोई परफ्यूम है, थोड़ा मिनी परफ्यूम जो पॉकेट परफ्यूम होती है, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक मैंने इसके बारे में ली थी, आई मीन रिव्यूज़ वगैरह मिली थी, और नायका का प्रोडक्ट्स मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कोई नायका ने पैसा वैसा नहीं दिया है, अपने खुद के पैसे से मैं हर मंथ परचेस करती हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ नायका साइट से लेकर प्रोडक्ट्स सभी का, और आपको भी सजेस्ट करूँगी, बहुत ऑथेंटिक साइट है, बहुत अच्छा वाला प्रोडक्ट्स मिलता है सभी ब्रांड का, क्लासी से लेकर इंटरनेशनल नेशनल जो भी प्रोडक्ट्स आपको परचेस करना, हाई एंड ड्रग स्टोर सभी परचेस कर सकते हो। ओके, सो ये वेरिएशन है अमोर, एंड इसका है ये वाला पैकेजिंग, इसका प्राइस है डियर 249, इसके ऊपर मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिली थी शायद, या 10-20 रुपीज़ की शायद मिली थी। तो ये बहुत ही छोटू मोटो सर्विस इज द ट्रैवल, जैसे कि मैं ये ट्रैवल बैग आपको दिखाया, आप इसके अंदर ये लेके जा सकते हो, वेरी गुड। आपको थोड़ा सा जो पल्स पॉइंट है आप लगा लो, फ्रेश रहोगे, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से स्मेल है इसका, फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है, नॉट सो हार्श, नॉट माइल्ड, और ये रहता भी है थोड़ा सा, मैं लगाई थी इसको इसलिए खुला हुआ है, थोड़ा सा मैंने यूज़ की थी, बिकॉज परफ्यूम आई कैन रेजिस्ट माई सेल्फ। एंड अनदर थिंग इज़ दैट इज़ द नायका सन डाउनर स्टनर आई शेडो पैलेट, नायका का काफ़ी अच्छे से मैंने सेल यूज़ किया है दिस टाइम, आई एम सो हैप्पी।
तो नायका का मुझे बहुत दिनों से आई शेडो पैलेट ख़त्म हो गई थी, मैं तो ज़्यादा शेडो वगैरह नहीं लगाती हूँ डियर। तो जो फैक्ट है आई एम जस्ट टेलिंग, मुझे लाइनर काजल मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। शेडो मैं बहुत ही लाइट लगाती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जो मैं दो बार परचेस की थी लैक्मे का जो रोज़ डेजर्ट, जो छोटा सा पॉकेट मिनी टाइप का जो आई शेडोज होती है वही मैं लगाती हूँ, परचेस किया हूँ, तो वो ख़त्म हो गई है। तो वो एक ही कलर शेड करते करते ना थोड़ा सा बोरिंग लग जाती है, तो ये वाला थोड़ा सा अफोर्डेबल साइड में मिल गया, उसी के बराबर का प्राइस है, उससे भी कम में मिला एक्चुअली। लैक्मे का जो मैं खरीदती हूँ इन जनरल उससे थोड़ा कम प्राइस में मिला है। एंड दिस इज द शेड, तो आपको मैंशन कर दिया, सनडाउन स्टैनर्ड, ये 4-5 वेरियंट्स पे आती है। 10-in-1 आई शेडो पैलेट है, नायका आईज ऑन मी, ये नया वाला है, एक विंक आईज ऐसा करके कुछ है, जस्ट विंक इट ऐसा करके एक है वेरिएशन, वो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड में होगा आपको 1200 या 1400 में, बहुत सारा कलर्स होंगे, वंडरफुल पैलेट है, जो डेली यूज़ करते हो, जिसको लुक वगैरह क्रिएट करनी होती है, ट्यूटोरियल्स वगैरह करती है, उनके लिए परफेक्ट है, बट मुझे उस सब नहीं लगती है, तो इसलिए मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। ये वाला काफ़ी अफोर्डेबल मुझे मिले, 599 का है, 449 में ऐसा मिल गई थी मुझे, बहुत ब्यूटीफुल सा शेड है। आप डियर देखो, दिस इज द शेड, आपको होपफुली दिखाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्वच करके दिखा देती हूँ। ऑल शेड्स आर गुड फॉर ना, आप डेली पर्पस में लगा सकते, कलर पिगमेंटेशन बहुत ही अच्छी है, आप डार्क से लेके लाइट तक, थोड़ा शिमर से लेके ब्राउन, आप ट्रांजिशन शेड सभी आपको मिल जाएगा। ये दो बहुत ही लाइट सर शेड्स है, आप क्रिएट कर सकते हो इसके साथ कोई भी लुक। तो मैं जैसे ही मुझे ये बहुत पसंद आया, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डिफरेंट इस टाइम ट्राई करनी थी, पिंकी पीची या थोड़ा सा लाइट ब्राउन टू शिमर थोड़ा सा मुझे यूज़ करनी थी, तो इसलिए मुझे ये वाला बहुत पसंद आई। तो सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है, दिस इज़ द सन अल्ट्रा मैट जेल सनस्क्रीन, सन एक्सपर्ट SPF 50 PA++। यस, आई होप ठीक सब मैंने कहा। क्विक एब्जॉर्ब है, नॉन स्टिकी है, ऑल स्किन टाइप, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। मे बी मैंने लैक्मे के ऊपर एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर समर में मैंने शायद सन एक्सपर्ट ऐसे लैक्मे का जो सनस्क्रीन है उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, बट दिस इज़ दैट आ रही है द सेम वन और द डिफरेंट वन। तो अगर डिफरेंट है तो मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द शेयर करूँगी वीडियो। एंड और एक है या तो ये दो प्रोडक्ट्स और है, अनदर जो मैंने बोला था मसावा का, मैंने तीनों और मंगवाए थे। दिस इज द डार्कर शेड, दो थोड़ा सा मुझे फिट में लगाना पसंद है, मुझे पेडिक्योर के टाइम पे, मैं घर में जब पेडिक्योर करती हूँ, वाइल्ड फॉर यू, और कभी कभी हाथ में मुझे रेड लगाना बहुत पसंद है। तो दिस थ्री शेड्स, इसके ऊपर मैं आप अगर चाहो तो मैं स्वचेस एंड वीडियो बनाऊँगी। ओके, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई हैव द मेबलिन ब्राउ पेंसिल। आप बोलोगे डियर आपने तो अभी तो कैटरीना वाला जो के ब्यूटी का जो लिया था ये क्यों है, एक्चुअली डियर वो वाला थोड़ा सा प्राइजी और साइड में है, और दिस वन काफ़ी अफोर्डेबल है, ये आपको बहुत ही अच्छे खासे 180-200 अराउंड मिल जाती है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी होती है, कोई भी इशू नहीं होती है। तो ये मैं जैसे कि डेली मुझे लगाना होती है तो मैं ये लगाती हूँ, अगर बाहर कभी जाना है तो मैं वो लगाती हूँ। ये आपको इसमें नायका हॉल, ये भी बॉक्स ख़त्म हो गया। तो आई होप यू हैव एन्जॉयड माय दिस वाला हॉल, अगर थोड़ी सी भी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।